हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिफ्थ क्लास इंग्लिश बुक एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर नेहा सिंह। योर फर्स्ट चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर सेकेंड। इट्स नेम बी गुड टू योर इनिमीज। बी गुड माने अच्छा बनिए, टू योर इनिमीज अपने दुश्मनों से भी, इनिमी माने तो दुश्मनों से भी कैसा बिहेव करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। सो लेट्स रीड द चैप्टर। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का रहता था नेम्ड सैमी, उसका नाम क्या था, सैमी। ही वॉज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था। ही वॉज गुड इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में भी वो कैसा था, अच्छा था। ओबीडियंट, बड़ों की बात मानता था, अपने पेरेंट्स की। मोर इंटेलिजेंट, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था देन मैनी अदर बॉयज़ इन हिज क्लास, अपने जितने क्लास के बच्चे थे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। एंड काइंड टू एवरीवन, और सभी लोगों से काइंडली मतलब प्यार से प्रेम से बिहेव करता था। एवरीबडी, हर कोई लव्ड हिम वेरी मच, उस क्लास में उसको सबको या घर में उसको सब पसंद करते थे। बट डैट अराउज जेलसी इन मैनी अदर बॉयज़, लेकिन उसका जो ये बिहेव था उसके लिए सब पसंद करते थे। अराउज इसने उत्पन्न कर दी, जेलसी मन जलन इन मैनी अदर बॉयज़, और बच्चों में, हु लॉन्ग्ड टू बी एज लव्ड एज सैमी, जो चाहते थे कि उनको भी लोग पसंद करें जैसे कि सैमी को। उन बच्चों के मन में सैमी के लिए जलन पैदा हो गई। नाउ देयर वॉज एन अदर बॉय नेम्ड टिमी, अब एक और लड़का था जिसका नाम टिमी था, वो स्टडीड इन द सेम क्लास एज सैमी, जो सैमी की सेम क्लास में पढ़ता था। अनलाइक सैमी, और जैसा सैमी था, सैमी से बिल्कुल ही विपरीत, ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, वो स्टडी में अच्छा नहीं था। एंड ऑलवेज लाइक टू प्ले ड्यूरिंग स्कूल आवर, और हमेशा वो स्कूल के समय में खेलना पसंद करता था। ही मिसबिहेव्ड विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से गलत बिहेव करता था, जवाब देता था। और बलीड हिज क्लासमेट्स, बलीड मीन उनको परेशान करना या लोगों को छेड़ना, उन्हें दुखी करना, हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को दुखी करता था। एंड इवन, और कभी कभी इल ट्रीटेड सैमी, सैमी के संग इल ट्रीटेड माने होता गंदा बिहेव करना, गाली देना, उल्टा सीधा बिहेव करना, तो सैमी से ऐसा बिहेव करता था। ही ऑलवेज ट्राई टू पुट सैमी डाउन, हमेशा ऑलवेज ट्राई करता था सैमी को नीचा दिखाना, उसकी इंसल्ट करना। एंड बी टाइटल, बी टाइटल होता है दूसरों को नाम बना बना के गलत नामों से बुलाना, बिफोर अदर किड्स इन द क्लास, क्लास के और बच्चों के सामने सैमी के नाम बिगाड़ बिगाड़ के उससे बुलाता था। बट नो मैटर ही डिड, लेकिन कोई भी मैटर, जो भी वो करता था, जो भी वो करता था, सैमी ग्रेड्स केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, सैमी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उसके जो ग्रेड थे पढ़ाई में वो बेटर ही होते जा रहे थे, वेदर इन स्टडीज और इन स्पोर्ट्स, चाहे स्टडीज की बात हो चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, और फ्रॉम हिज क्लासमेट्स या उसके क्लासमेट्स की बात हो, सैमी केप्ट गेटिंग प्रेज फ्रॉम एवरीवन, सैमी को क्या मिलती थी, प्रेज माने प्रशंसा बाई फ्रॉम एवरीवन, हर किसी से। ऑन हिज टेंथ बर्थडे, जब सैमी का टेंथ बर्थडे था, मतलब जब टेंथ माने 10 साल का हुआ, सैमी गॉट ए पेन, उसे एक पेन मिला एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पिता से। ही ब्रॉट इट टू द स्कूल, वो उस पेन को लेके अगले दिन स्कूल लाया, जैसा बच्चे लिखाने लाते हैं, सो डैट ही कुड यूज़ फॉर हिज नोट्स, जो वो अपने स्कूल के नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकता था। दिस वॉज ए वेरी ब्यूटिफुल पेन, ये बहुत सुंदर पेन था, एंड इट कुड हेल्प ऑन राइट वेरी फास्ट, ये किसी भी इंसान को तेज लिखने के लिए मदद करता था। बहन टिमी सा इट, जब टिमी ने सैमी का पेन देखा, ही वॉज वेरी जेलस ऑफ सैमी, वो सैमी से जल गया। ही आस्क्ड सैमी, उसने सैमी से क्या कहा, हे वेयर डिड यू गेट दैट, तुम ये पेन कहाँ से लाए, डिड यू बाई इट, क्या तुमने ये खरीदा। माई पेरेंट्स गेव इट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू मी, रिप्लाइड सैमी, सैमी ने क्या रिप्लाई किया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको ये बर्थडे पे गिफ्ट में दिया है। तो आज हम इसका एक ही पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ तक आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और कल हम इसका सेकेंड पार्ट आपको पूरा करके दिखाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।